नमस्कार दोस्तों, जमाई राजा सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 में डीडी सिद्धार्थ की बेल करा देती है और बेल कराने के बाद में सीधा घर ले आती है। जैसे उनकी ये बेल हो जाती है तो इस बेल को लेके सब चकित रह जाते हैं, क्योंकि सबको कंफ्यूज हो जाती है कि डीडी अपने भैया के बेटे की बेल 7 दिन के लिए स्थगित कर रही थी और फिर उन्होंने 3 दिन में कराई थी, वही सिद्धार्थ की बेल उन्होंने तुरंत कैसे करा दी। तो जैसे ही सिद्धार्थ को अपने घर पे ले आती हैं तो इस चीज़ को लेकर रोशनी आश्चर्यजनक पूछती है कि मॉम ये क्या चीज़ है, आप कि वहाँ पे आपने भाई की जो बेल कराई थी वो आपने 3 दिन में कराई थी और एक क्रिमिनल की बेल आपने तुरंत करा दी। तो सिद्धार्थ एक क्रिमिनल है और आपने इसकी बेल क्यों करा सकते हो, आपने ये सही नहीं किया। और रोशनी सिद्धार्थ के बारे में अनाप शनाप उनसे बोलने की कोशिश करती है और बोलती है कि इस पे पहले से ही काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहे हैं तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। रोशनी उस पे काफ़ी एलिगेशन लगाती है सिद्धार्थ में, लेकिन पता नहीं होता ना कि मतलब सिद्धार्थ की क्या चाल है। तो सिद्धार्थ सब कुछ सुनते रहते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, तो वो बोलती हैं कि नहीं हमारे बिजनेस के लिए परफेक्ट सिद्धार्थ ही है। तो डीडी सिद्धार्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अप्रोच करती हैं और बोलती हैं कि सिद्धार्थ इज़ बेस्ट फॉर माय बिजनेस। तो इस तरीके की काफ़ी बातें होती हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन उसके बावजूद रोशनी नाराज रहती है सिद्धार्थ से, क्योंकि सिद्धार्थ ने पुलिस स्टेशन में रोशनी को किसी तरीके की सुनाने में कोई कसर नहीं की थी, क्योंकि हर तरीके की खरी खोटी सिद्धार्थ ने रोशनी को सुनाई थी, जो कि डीडी को अब इस टाइम सिद्धार्थ पर काफ़ी विश्वास है और वो उनका विश्वास हर तरीके से जीतना चाहते हैं। वो नहीं बताते कि मेरे और रोशनी के बीच में क्या रहा है। तो सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 में बहुत कुछ देखने को मिला था। वहीं रोशनी जब मन करता है कहीं को चल बैठती है, क्योंकि सिद्धार्थ को चिढ़ाने के लिए जलाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो उनका अभी एक फ्रेंड आया हुआ जो कि उनसे शादी करना चाहता, तो उसको कंटिन्यू डेट करती नज़र आ रही है एपिसोड नंबर 7 में। और उनको डेट करने के लिए सिद्धार्थ जो उनके बॉडीगार्ड बने हुए हैं, सिद्धार्थ रोशनी के साथ में हर टाइम रहते हैं। तो अभी की बात थी जब वो अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, तो सिद्धार्थ अपने ऑफिस के लिए रोशनी को ले जा रहे थे, रोशनी अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, सिद्धार्थ को गुस्सा आ रहा था इस चीज़ के लिए। आगे देखते हैं तो आगे एक कपल स्कूटी लेके उनकी कार से टकराने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ आए कि उस लड़की में एक दो थप्पड़ मारता, बोलता है प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये लड़की धोखेबाज होती है, ये है वो है। सिद्धार्थ काफ़ी लड़कियों के बारे में वहाँ पर कॉमेंट करता है, कॉमेंट करने के बाद में वहाँ से चल लेता है। आगे डीडी का फ़ोन आता है रोशनी को, तो पूछते हैं बेटा कहाँ पे, तो रोशनी बोलती है कि आपका जो बॉडीगार्ड है वो किसी के साथ में मारपीट की थी, ये है वो है। तो वो बोलती है कि ठीक है सिद्धार्थ को मेरे पास भेजो। तो सिद्धार्थ उनके पास मिलने के लिए जाते हैं, तो सिद्धार्थ से बोलते हैं कि क्या हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि कोई स्टूपिड कपल्स थे जो कि मेरे वाहन के आगे आने की कोशिश कर रहे थे, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो रोशनी की मॉम बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ ज़रूरी डिस्कस करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ पूछते हैं ओके क्या डिस्कस करना है आपको, तो बोलते हैं देखिए आप मेरी हर तरीका से मदद कर रहे हैं, मुझे आप पर इस टाइम बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो बोलते हैं क्या है, आपकी कुछ जिम्मेवारी बढ़ा दी गई है, जो कि आज से आपकी जिम्मेवारी कुछ और होने वाली है। सिद्धार्थ बोलते हैं ठीक है मेरी क्या जिम्मेवारी है, तो उनसे बोलते हैं कि आपसे आज की ये जिम्मेदारी कि आपको जितना भी माल है, ठीक है जितनी भी हमारी सप्लाई है, कोकेल कोटेन मतलब जो भी ये नशे की चीज़ होती है, वो आपको इधर से इधर सप्लाई करना है। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि ठीक है, तो रोशनी की माँ यानी डीडी बोलती है कि आपने बिगैर पूछे मतलब ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो सिद्धार्थ बोलते हैं जब आपने बिना कुछ कहे मेरी बेल करा सकते हैं पुलिस स्टेशन में, क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकता। तो सिद्धार्थ रोशनी की माँ के आगे बहुत अच्छे बनने की एक्टिंग करते हैं और ये साबित कर देते हैं कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ एक बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं जो कि डीडी पटेल का है। तो डीडी पटेल से बोल देते हैं कोई बात नहीं, मैं जो भी आपका काम है मैं आपका हर जगह साथ दूंगा, ये है वो है। उनकी तारीफ और काफ़ी चीज़ बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि डीडी को ये सब कुछ अच्छा लगता है सुन के कि हाँ यार कोई तो है जो हमें मतलब बिना किसी पूछताछ के और हमारी सीधी सीधी मदद कर रहा है, ठीक है। तो उधर होता क्या कि जो रोशनी के मामा का लड़का ये कंफ्यूज होता है कि हमसे ज़्यादा आजकल विश्वास सिद्धार्थ पे क्यों कर रही है, सिद्धार्थ हमसे ज़्यादा कैसे खास हो सकता है, क्योंकि एक जो डांसर और कॉमेडियन सर्कस वाला एक इतना खास कैसे हो सकता है। तो सिद्धार्थ पर डाउट तो होता है, लेकिन वो डाउट दूर करने के लिए वो न्याय न्यारी कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए ऐसा कि जो सिद्धार्थ की असलियत बाहर आए। इधर सिद्धार्थ भी बहुत खुश होते हैं कि डीडी का अब टोटल फोकस मेरे पर रही है और मुझसे सब ज़्यादा विश्वास करती हैं। तो वो बोलते हैं कि कोई बात ना डीडी,
अब दुश्मनी निकालने का तो मजा अब आएगा। इधर सिद्धार्थ के जो बचपन के दोस्त होते हैं वो पूछते हैं कि आप डीडी से इतना टच क्यों हो रहे हो, डीडी का आप इतना विश्वास जीत सकते हैं, और आपने रोशनी को क्या कि रोशनी को आपने खरी खोटी सुनाई और रोशनी का दिल तोड़ दिया। तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि रोशनी मेरी जिंदगी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जितना मैं प्यार इससे करता हूँ उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा नफरत में उसकी माँ यानी डीडी से करता हूँ, और डीडी को मैं हर सूरत पे हर कीमत पे मैं उसे बदनाम और उसे जिंदगी से बाहर करना चाहता हूँ, ठीक है, बर्बाद कर देना चाहता हूँ, तोड़ देना चाहता हूँ, फोड़ देना चाहता हूँ, यानी डीडी से इतने जले हुए हैं। इधर रोशनी को पल पल सिद्धार्थ की कुछ मोमेंट्स की याद आती रहती है जो कि उन्होंने साथ बिताए थे, लेकिन डीडी के वजह से बहुत कुछ बदल गया उन दोनों के बीच में, क्योंकि एक टाइम था जो कि एक दूसरे के साथ में रहते थे, पिछले 7 साल से साथ रह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने सिद्धार्थ अपनी पर्सनल चर्डेस यानी अपनी पर्सनल बदले के लिए रोशनी को भी इग्नोर कर रहे हैं। वहीं रोशनी अपने किसी फ्रेंड को डेट कर रही हैं और सिद्धार्थ को चलाने में कोई कसर नहीं कर रही, ठीक है। इधर हुआ क्या है कि उनसे मिलने के लिए, रोशनी से मिलने के लिए यानी सिद्धार्थ के पिताजी जो कि एक पार्टनर बने हुए हैं, वो सिद्धार्थ के पिताजी जो पार्टनर बने हुए हैं वो रोशनी से मिलने के लिए आते हैं। तो रोशनी से मिलने के लिए वो वॉशरूम में आते हैं, जैसे ही सिद्धार्थ वॉशरूम में आता है तो गायब हो जाते हैं, उनसे पेन ड्राइव और डायरी लेके सिद्धार्थ के पिताजी चले जाते हैं। तो जैसे वॉशरूम में आते हैं तो सिद्धार्थ आते हैं तो उन्हें उनके पिताजी नहीं मिलते, तो बोलते हैं रोशनी बोलते हैं आप वॉशरूम में कैसे आ सकते हैं, एक लेडीज़ वॉशरूम में कैसे आते हैं। तो सिद्धार्थ बोलते हैं दिस इज़ माय ड्यूटी, मैं कहीं भी आ सकता हूँ और मैं बॉडीगार्ड हूँ आपका। तो सिद्धार्थ इस तरीका से काफ़ी उनसे उनकी बहस भी होती है और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो देखा गया कि यहाँ पे एक दूसरे से काफ़ी बदला लेते नज़र आ रहे हैं और अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस टाइम जितने भी हैं सिद्धार्थ हो या फिर उनके साथ साथ में रोशनी हो या फिर डीडी हो, सब इस टाइम अग्रेशन में पूरे नज़र आ रहे हैं। लेकिन बात करते हैं पूरी टीम की, तो पूरी टीम बहुत ही अच्छी है, काम इतने अच्छे से, और देखा जाए तो पूरी टीम का इस टाइम जो जमाई राजा सीजन 2 में काम हो रहा है बहुत बढ़िया। हालांकि कुछ जो मस्ती के मोमेंट्स हैं वो हम देखते रहते हैं कि एक दूसरे के साथ में मस्ती करने में कोई कसर नहीं कर रहे। तो अभी मैं आपको पहले तो Episode-7 के बारे में पूरी चीज़ आपको कंफर्म करा देना चाहता हूँ कि दोन को ही पता है ये चीज़। एक तो गोस्वामी अंकल, जो कि गोस्वामी अंकल एक गेम खेल रहे हैं डीडी के और रोशनी के साथ में। इधर एक सिद्धार्थ, जो कि सिद्धार्थ को सब कुछ पता है और सिद्धार्थ अपने मुताबिक खेल रहा है। इधर एक सिद्धार्थ का फ्रेंड है, उन्हें भी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि सिद्धार्थ आके चाहते क्या हैं, क्योंकि सिद्धार्थ एक अलग तरीका की चाल चल रहे हैं, लेकिन ये चाल किस तरीका के हो सकते हैं यू डोंट नो। तो उसमें अलग अलग एंगल देखने को मिले हैं हम लोगों के बीच में, लेकिन अब देखना ये काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर सिद्धार्थ के मन में चल क्या रहा है, क्या चाल चलने की वो कोशिश कर रहे हैं, लोगों तक क्या पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने इसमें बहुत कुछ देखने को अभी बाकी भी है, देखते रहिए फिलहाल तो कि क्या होने वाला। इधर बात करते हैं तो सिड की, तो सिड की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। पर्सनल लाइफ में सिड और रोशनी बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, बहुत ही एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। वो एक अलग चीज़ है कि टीवी पे क्या दिखा जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में वो एक दूसरे का रियली बहुत ख्याल रखते हैं। और बात करें अगर कपल्स की तो ये रियली रियली गुड फ्रेंड यार, वेरी गुड फ्रेंड, क्योंकि उन दोनों की जो बॉन्डिंग दिखाई गई है वो बॉन्डिंग अभी तक किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी इंसान की नहीं दिखाई गई, जो कि ये एक इन दोनों की दिखाई गई है, क्योंकि ये दोनों शुरू से ही एक साथ रहने का प्रेम से जानते हैं। वो एक अलग बात है कि सीरियल में एक उनका अग्रेसिव रोल देखने को मिलता है सिद्धार्थ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है लोगों का खौफ, लेकिन सिद्धार्थ रोशनी के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन अब इस टाइम Episode-7 में रोशनी नहीं समझ पा रही सिद्धार्थ को कि सिद्धार्थ करना क्या चाहते हैं, कर क्या रहे हैं, अभी इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता, क्योंकि सिद्धार्थ का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है, जो कि सब परेशान भी है उस रूप से कि ये कभी तो पल भर में प्यार करने लगते हैं, कभी पल भर में कुछ और सोचने लगते हैं, पल भर में सिद्धार्थ अपनी सासू माँ के पास में हो जाते हैं। ये चल क्या रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ का एक माइंड है वो बहुत ही एक अलग चल रहा है, जो कि अभी तक उस माइंड के बारे में किसी को भी कानों कान खबर नहीं है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात भी है कि फिलहाल उन्होंने किसी को अपने प्लान का हिस्सा नहीं बना रखा और वो एक बहुत ही सावधानी के साथ में पूरा गेम खेल रहे हैं। उस गेम के बारे में देखिए अभी तक तो किसी को पता नहीं है, लेकिन देखिए जल्दी में क्या हो सकता है यू किसी को नहीं पता। तो आप देखते रहिए जमाई राजा Season-7 का एपिसोड यहीं पे एक कंप्लीट होता। आपको ये बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके जितने भी एपिसोड आएंगे, क्योंकि इसके 1500 के आसपास में एपिसोड आएंगे, वो सब मेरे चैनल से आएंगे,
और आगे जाके एपिसोड लाइव भी हो जाएंगे, तो आप देखना मत भूलिए, मेरे चैनल को देखते रहिए। कोई भी आपकी बात है, कोई भी आपका कमेंट है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा एपिसोड कैसा लग रहा है, जो भी आपका एनी डाउट हो तो आप फुल कमेंट कीजिए। अरे हाँ यार, सबसे पहले आप फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तो ठीक है। और बहुत दोस्तों ने घंटा बेल नहीं कर रहा, घंटे की घंटी ऑन कर दीजिए, वो फ्री है यार, फ्री सब्सक्राइबर, फ्री सभी कुछ है। लाइक करेंगे वीडियो को तो वो भी फ्री है भाई। थैंक यू सो मच, आपने इतना सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के थैंक्स सो मच।